मैं क्या बताऊँ, मेरी जो स्टोरी है स्ट्रगल की, वो कम से कम आई थिंक सो मैं 2020 से आज 23 हो चुका से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। इसके पीछे पड़े हुए हो, इसके पीछे पड़े हुए हो कि मैंने क्लियर करना है करना है करना है, तो आज ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। अगर अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास इतने सारे पेजेस के सर बंडल रखे हैं रीडिंग के, मैंने एक रीडिंग नहीं छोड़ी कहीं की भी। मैं 2020 में सर मैं पीटी कर रही थी, पीटी जिसमें भी मेरा स्कोर जो है 7778 था, 7778 जो बैंड अपना लाइक लिया। Very respectful score. It's very difficult to achieve. तो वो क्या करते हैं ना सर, एक वाउचर होता है, वाउचर वगैरह यूज करते हैं वो स्टूडेंट के लिए, वाउचर जब आप एग्जाम फिल करते हैं तो वो वाउचर, वो एक्सपायर्ड वाउचर भी यूज कर देते हैं। और एक दूसरी गलती क्या होती है स्टूडेंट की कि वो कैश में दे देते हैं उनको फीस। और इन्होंने इस फ्रॉड की वजह से इनका जो पीटी का स्कोर था उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, ऐसा ही था कुछ सर? आईडी ब्लॉक हो गई थी, जिसमें आईडी ब्लॉक में क्या है कि आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते आगे। ओके चित्रा जी, सो सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन, कैसे हो? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो थैंक यू मैं आप ही का बोलूंगी, क्योंकि जो कुछ भी है सब आपकी वजह से ही है। इससे पहले तो आपको पता ही है मैं कितना लाइक डिप्रेशन में मोड में चली गई थी, तो थैंक्स टू यू सर सबसे पहले। तो थोड़ा बताओ अपना एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहा। मुझे तो अगर मैं पर्सनली देखूं तो जब मैंने आपने रिजल्ट मुझे सेंड किया कि सर ये वाला मेरे को रिजल्ट आया, तो आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी कि इतना ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली वी हैव वन द रेस। तो बताओ आप अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। कैसा रहा बिल्कुल सर बिल्कुल। मी टू मतलब मैं आपको क्या बोलूं, मतलब लफ्ज नहीं है, मी टू भी बहुत ज्यादा मींस मैं बोल सकती हूँ हैप्पी हूँ। एज सच आपको पता है बिफोर वन मंथ मैं आपके पास आई थी, और उस टाइम मेरी क्या कंडीशन थी ये तो आपको पता ही है कि लाइक मैं मतलब आपके मतलब पास आने से पहले मैं जो है अपने आप से मोस्ट ऑफ द जो टेस्ट की तैयारी कर रही थी। मुझे ये था, अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस था कि मैं लाइक मैं कर लूंगी अपने आप यूट्यूब की वीडियोस एंड ऑल देख के। बट क्या था कि एक्चुअल में मैंने जब अपना एक दो एग्जाम्स दिए तो उससे क्या हुआ, मुझे मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा था कि लाइक मेरी कहाँ से क्या मिस्टेक्स हो रही है। मेरा सिर्फ पॉइंट पॉइंट का फर्क रह जाता था हमेशा लाइक है ना, तो मैं मतलब वो चीज समझ नहीं पा रही थी। बट मुझे ये था कि कोई बात नहीं, मैं एग्जाम मैं लगातार कॉन्टिन्यूटी में देती जा रही थी। लाइक जैसे एग्जाम अभी दे के आई, तो जैसे रिजल्ट जो अभी लास्ट के आपके पास आने से पहले मैंने जो दो एग्जाम दिए हैं सर, वो मैंने बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी में दिए हैं। लाइक एक मैंने जैसे एग्जाम देकर मैं आई, मुझे ऐसा घबराहट सी हो रही थी कि लाइक पता नहीं यार रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे कि विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, मुझे था कि मेरे को प्रेपरेशन तो है ही है, तो मैंने दूसरा एग्जाम भी फिल कर दिया। फर्स्ट आपने एग्जाम दिया था तब आपका स्कोर कितना था? सर जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने स्कोर दिया सॉरी एग्जाम दिया था, तो मेरा जो स्कोर था मेरा लिसनिंग में 7 था, रीडिंग में 6.5 था, मेरा 6.5 स्पीकिंग में था, 5.5 राइटिंग में था, वही विदाउट लैक ऑफ गाइडेंस। और सेम एज इन केस ऑफ स्पीकिंग ऑल्सो आई कैन से कि स्पीकिंग में भी ऐसा था कि लाइक मुझे पता ही नहीं था कि लाइक टास्क, जैसे मैंने जब आपकी क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि स्पीकिंग में कितना बोलना है क्या बोलना है, तो वो लैक ऑफ गाइडेंस थी मुझे। टास्क वन तो चलो ठीक है, मैं फिर भी वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इतना बड़ा वो नहीं है, बट वही लैक ऑफ गाइडेंस है। टास्क टू में नहीं मुझे पता चलता था, सबसे ज्यादा जो बेसिक प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को वो यही आती है जो मैंने भी फेस की है कि टास्क में क्यू कार्ड स्टूडेंट को एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि उसको प्रिपेयर कैसे करे विद इन 1 मिनट। यस ये बहुत बड़ी दिक्कत है ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को, मतलब ज्यादा वो क्रैमिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि जैसे अभी आपको पता है पीडीएफ आती है मकड़ की तो 3-4 मंथ के लिए चलती है, तो ज्यादा जो रिलायंस है स्टूडेंट की वो उस चीज के ऊपर रहती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है स्टूडेंट्स की, उनको नेचुरल तरीके से कैसे टोन में बनाना है, कैसे क्यू कार्ड 1 मिनट में डिवेलप करना है, वो सब चीजें आपको आपका टीचर ही बता सकता है कि अगर कोई भी क्यू कार्ड आ जाए आप कैसे उसके लिए कैपेबल हो सकते हो, तो ये सब चीजें। राइटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ आप बताओ थोड़ा।
सर यही मैं बोल रही हूँ. फिर जब मैंने उसके साथ साथ ही जब मैंने दूसरा एग्जाम दिया तो मैं एक तरफ से खुश भी थी, एक तरफ से थोड़ा दुखी भी थी. दुखी मैं इसलिए थी कि पहले एग्जाम में मैंने लाइक राइटिंग में 6.5 गेन किए थे, रीडिंग में 6.5 थे. बट इस टाइम जब मैंने सेकेंड टाइम एग्जाम दिया था तो मेरे रीडिंग में 7.5 थे, लिसनिंग में 7 थे. 7.5 बैंड आए थे उसका थोड़ा बताओ वो लाइक कैसे आपने जब मेरी वीडियोस वगैरह देखनी शुरू करी या उससे पहले आपने डेवलप कर लिया था वो स्ट्रेटजीज बताओ थोड़ा मटेरियल वगैरह का भी बताओ आप. बिल्कुल एग्जैक्टली सर. सर वो एक्चुअल में क्या था ना कि लाइक जैसे मैंने बोला कि मैंने कॉन्टिन्यूटी में एग्जाम दिया और मैं इतनी डिप्रेस थी ना, मतलब लाइक इतना मतलब एग्जाम के अंदर मैं मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, बिल्कुल घुल मिल चुकी थी ना इतना एग्जाम के अंदर कि मुझे एग्जाम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था. तो मैं क्या करती थी सर, अगर अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास इतने सारे पेजेस के सर बंडल रखे हैं रीडिंग के, मैंने एक रीडिंग नहीं छोड़ी कहीं की भी. इवन जो आपने भी सेंड की ड्यूरिंग मुझे, तो मैं ये सोचती थी यार ये भी मैंने कर ली है, यार ये भी मैंने कर ली है. मैंने मतलब रीडिंग इतनी की है ना सर, आयल्स फीवर हो चाहे वो कैम्ब्रिज हो चाहे वो मतलब जिस तो मैंने कोई भी सब कर ली, सब ए टू जेड हर चीज मैंने कर ली. तो रीडिंग में तो मैं रीडिंग नहीं, मैं वैसे चारों मॉड्यूल में कॉन्फिडेंट तो थी, बट वही है ना कि रीडिंग का तो मुझे चीजें पता चल गई थी. तो मैंने 7.45 सॉरी जब स्कोर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा. बट प्रॉब्लम अब यहाँ पर सेकंड एग्जाम में फिर क्या आ गई कि मेरे इतने अच्छे स्कोर दो में इतने अच्छे रह गए, प्लस इधर दो में फिर वो माइनस कर दिए होंगे. तो मैं फिर वही चीज डिप्रेशन में. और मैं लिटरली एक बात बताती हूँ कि मैं जब मैं मतलब लाइक आपके पास जब मैं कोचिंग नहीं लेना स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैं उससे पहले क्या है यूट्यूब चैनल्स देख के अपनी प्रेपरेशन करती थी. तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूट्यूब में जो मोस्टली मैं प्रेफर करती थी टीचर वो मैं जैसे एक और है बहुत फेमस है उसका नाम मुझे ध्यान है, फीमेल है, शी इज वेरी फेमस ऑन यूट्यूब ऑल्सो. तो मैं उनका देखती थी मैं डेली. बट उनके देखते देखते क्या है एकदम से अचानक से क्या हुआ कि एकदम से जो है आपका यूट्यूब का चैनल आया. तो जब मैं उनके देख रही थी, हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली, जब मैं आपका देखना स्टार्ट किया तो मुझे डिफरेंस लगा काफी. मुझे डिफरेंस क्या लगा कि मैं लाइक जैसे उन जब टीचर्स का मैं देखती थी तो सबका मोस्ट ऑफ द जो एक तरीका था सेम सेम ही था. ये नहीं बोलूंगी बहुत बुरा था, अच्छा था नो डाउट. बट उनके अगर कंपैरिजन आपके साथ करें तो आपका बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो पता नहीं शायद मे भी वही है ना, जैसे जाता है भगवान शायद चाह रहा था कि अब ये बच्ची इतना ज्यादा स्ट्रगल कर चुकी है. क्योंकि सर मैं क्या बताऊं मेरी जो स्टोरी है स्ट्रगल की वो कम से कम आई थिंक सो मैं 2020 से आज 23 हो चुका से मैं स्ट्रगल कर रही हूं, इसके पीछे पड़े हुए हो, इसके पीछे पड़े हुए हो कि मैंने क्लियर करना है करना है करना है. तो आज ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं. मतलब हाँ, कभी आप पीटी कभी मतलब कभी पहले हाँ, आपने exactly. पीटी का भी बताया था मुझे ना कि जैसे पहले पीटी का किया, पीटी में भी थोड़ा बताओ अपनी स्टोरी क्या हुआ उसमें. हाँ जी. तो सर जैसे मैंने आपको बोला कि मैं 3 साल से लगी हुई हूँ सर, जैसे तो 3 साल से मतलब ये नहीं कि आयल्स में तो मैं सर अभी लगी हूँ अभी exactly. और वो मेरा आपके पास आने के बाद मेरा क्लियर हो गया. जी, तो जी, जी. मैं 2020 में सर मैं पीटी कर रही थी, पीटी जिसमें भी मेरा स्कोर जो है 7778 था. तो एक आप समझ सकते हो वो भी मैंने बहुत स्ट्रगल करके लाइक 7778 जो बैंड अपना लाइक लिया. वेरी रिस्पेक्टफुल स्कोर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव. थैंक यू सो मच सर. रियल जो पीटी है जब मैं पीटी करती थी तो सर जो मेरे इंस्टीट्यूट के जो सर थे पढ़ाने वाले वो दुखी हो गए थे मुझसे. क्योंकि सर मैंने वो इसलिए दुखी हो गए थे क्योंकि जो मैंने जितने मॉक टेस्ट थे ना सर, मैं मॉक टेस्ट दिन में दो दो कर लेती थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट इतना बैठ गया था. तो मैं कर लेती थी उनके मॉक टेस्ट, मैंने सारे खत्म कर दिए थे सर ऑलमोस्ट. थोड़ा पीटी का बताओ फिर, पीटी का लाइक कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा, क्यों आपके साथ क्या हुआ, थोड़ा वो भी बताओ आप. तो वो क्या करते हैं ना सर, एक वाउचर होता है, वाउचर वगैरह यूज करते हैं वो स्टूडेंट के लिए, वाउचर जब आप एग्जाम फिल करते हैं तो वो वाउचर वो एक्सपायर्ड वाउचर भी यूज कर देते हैं. ओके. और एक हाँ जी हाँ जी. और एक दूसरी गलती क्या होती है स्टूडेंट की कि वो कैश में दे देते हैं उनको फीस.
कैश में फीस, जो कि एक सबसे बड़ी गलती है। और मैं हर एक स्टूडेंट को बोलूंगी प्लीज वो अपना जो भी कोई भी एग्जाम अगर फिल करते हैं स्पेशली पीटी, तो प्लीज अपना कैश में ना दिए, क्योंकि कैश में देने के बाद उनके पास प्रूफ नहीं रहता, जो कि मेरे साथ भी हुआ था सेम बिल्कुल मेरे बिल्कुल पास मेरे। और ये चीज मैं उस टाइम अंधेरे में थी, अब तो उस टाइम मुझे नॉलेज है, मैं हर एक स्टूडेंट को बता देती हूँ। और दूसरा प्लस ये होता है सर, इस आईडी, अगर आपको आईडी में एग्जाम फिल करना है, ठीक है एग्जाम आपका टीचर फिल कर रहा है, आपको नॉलेज नहीं है वो ठीक है, बट स्टूडेंट टीचर को स्टूडेंट को ये भी बताना चाहिए कि जो जिस कार्ड से आप एग्जाम फिल करते हो वो स्टूडेंट के नाम का ही होना चाहिए, किसी और के नाम का नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर थर्ड पार्टी की अगर कोई इंफॉर्मेशन या कुछ, जैसे मेरे साथ हुआ सेम मेरे साथ ऐसे ही हुआ सर, बिल्कुल 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 तो जिस थर्ड पार्टी ने एग्जाम फिल किया था मेरा, मैंने उनको कैश में दिया था, 13,000 समथिंग कुछ फीस थी सर 2020 में, तो मैंने एग्जाम फीस दिया। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि मुझे उधर से मेल आता है, आफ्टर एग्जाम भी मेरा क्लियर हो चुका, मेरा रिजल्ट भी आउट हो चुका, देन उसके बाद आफ्टर 5 to 6 month बाद मुझे, जिनके यहाँ कोचिंग ले रही थी उनका मुझे कॉल आता है कि आपको ना एग्जामिनेशन की फीस दोबारा से फिल करनी पड़ेगी। तो मैं उस टाइम बहुत शॉक थी सर, क्योंकि मेरे लिए तो मुझे था कि मुझे एग्जाम की फीस क्यों दोबारा करनी पड़ेगी, जबकि मैं, उन्होंने मुझे क्लियर फिर भी कुछ नहीं बोला, वो इसलिए नहीं बोला ना कि बोलते ना चोर की दाढ़ी में तिनका, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल उन्होंने मुझे कुछ क्लियर ही नहीं किया। मुझे उन पे ट्रस्ट था, मैंने कहा टीचर है एक गुरु है, मैं आज भी ऐसी लड़की हूँ कि वो कभी गलत नहीं करती, बट बिल्कुल बिल्कुल मुझे क्या बिल्कुल पता था तो सबसे यार बड़ा ये है जो जब। व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए भी एक लेसन है, आप कहीं से भी आप पीटी का एग्जाम बुक कर रहे हो तो कोशिश करो आप अपने खुद के कार्ड से पेमेंट करो जो आपके नाम का रजिस्टर्ड कार्ड है, क्योंकि कल को क्रेडिट आपके साथ कार्ड भी फ्रॉड हो सकता है। और इन्होंने इस फ्रॉड की वजह से इनका जो पीटी का स्कोर था उन्होंने उसको डिसक्वालीफाई कर दिया, ऐसा ही था कुछ। सर आईडी ब्लॉक हो गई थी, जिसमें हाँ आईडी ब्लॉक में क्या है कि आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते आगे, प्लस आपका रिजल्ट वहां शो हो रहा है बट वहां पर जो रिसिप्ट होती है वो उन्होंने ब्लॉक कर दी, इस वजह से वो चीज नहीं दे पाई। क्योंकि जो थर्ड पर्सन ने जो एग्जाम मेरा फिल किया था ना सर, अमेरिकन एक्सप्रेस में कुछ ऐसा समथिंग, मुझे इतना मतलब लाइक जितना पता है मुझे कि एक रूल होता है कि 3 months के, within 3 months के अंदर जो है जो थर्ड पार्टी होती है जिसने मतलब वो ऐसा कुछ हुआ होता है, तो वो अपने within 3 months अपना मनी बैक ले सकता है। तो उन्होंने ऐसा ही किया सेम, जो थर्ड पार्टी बिल्कुल ने फिल किया था, क्योंकि आईडी तो मेरे नेम की थी तो जी पीटी तो अपनी जगह सही थी, बिल्कुल वैलिड थी, उन्होंने वो मनी बैक उस पर्सन को कर दिया, उस पर्सन ने मनी भी बैक ले लिया अपना, और ये एग्जाम होने के बाद की बात है, तो तो मनी यार भी ये बैक ले देखो खुद लिया। खुद यार मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूँ, जो भी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखो यार कुछ पैसों के लिए कैसे कई टीचर्स स्टूडेंट्स का पूरा करियर जो है वो खराब कर देते हैं। तो यार वैसे ही आप मांग लो ना, अगर स्टूडेंट से आपको पैसे चाहिए तो मना थोड़ी करेंगे आपको, अगर आपको इतनी ही भूख लगी हुई है पैसों की, कुछ पैसों के लिए आप लोग यार किसी का करियर खराब कर रहे हो, आपको थोड़ी शर्म चाहिए। मैं ये तो यही बोलना चाहूंगा जितने भी लोग देख रहे हैं जो ये ऐसे फ्रॉड करते हैं, और स्टूडेंट को बताऊंगा यार वो तो फ्रॉड कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा अवेयर होइए, थोड़ा थोड़ा आप लोग यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस देख लीजिए। अब यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा किस लिए बना हुआ है, सब अवेयर करने के लिए तो बना है ना, तो यार थोड़ा सा यूज आपको भी करना चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में उसको यूज करो, सिर्फ गाने सुनने के लिए मत रखो, तो कुछ नॉलेज लेके ही किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, आपका एग्जाम बुक हो रहा है देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कल को आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, तो जैसे ये चित्रा के साथ हुआ है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ भी हो, ठीक है। तो मतलब इतना ज्यादा स्ट्रगल है, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स उन्होंने स्पेंड कर दिए हैं इस चीज में, 3 साल बहुत बड़ा पीरियड हो रहा है, 3 साल लग गए उनको, मैं तो यही मान के चलूंगा कि 3 साल ही हो गए ना एक्चुअल में, तो ये इंग्लिश का टेस्ट ही क्लियर कर रहे थे ना, चाहे उन्होंने चाहे अपनी जो जर्नी थी वो मतलब उन्होंने पीटी से स्टार्ट करी, पीटी के बाद फिर उन्होंने जैसे उनके साथ ये वाला चक्कर पड़ा तो बाद में वो आईएलटीएस में आए, आईएलटीएस में उन्होंने सोचा कि चलो हम खुद ही, अभी मैं हूँ इतने कैपेबल की कर सकती हूँ, तो कहीं से भी कुछ गाइडेंस वगैरह नहीं ली अपनी तरफ से, जितना भी उनको सीखा उन्होंने वीडियोस वगैरह देख के अपनी तरफ से ट्राई किया लेकिन नहीं क्लियर हुआ, तो फिर वो आईएल्स में आए और आईएल्स में जाके चलो वो मेरे पास आई, मैंने उनको बोला कि हमें सारे मॉड्यूल्स के ऊपर फोकस करना है, तो मेनली जब उन्होंने मेरे को कॉल किया था मेरे को उन्होंने यही बोला था कि सर मेरे को 1 या 2 मॉड्यूल दे दो, मैंने उनको बोला कि नहीं भाई ऐसे मत करो, आप सारे मॉड्यूल लो मेरे से, अगर आप सारे मॉड्यूल लोगे तो मैं भी आपके ऊपर फोकस कर सकता हूँ, मुझे भी पता होगा आपकी क्या वीकनेस है, अगर नेक्स्ट टाइम एग्जाम देते हो 1 मॉड्यूल के ऊपर फोकस दे दिया नेक्स्ट में फिर से किसी में कम रह गया तो यार मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं सभी व्यूवर्स को स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा यार आप किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट में या कोचिंग सेंटर में जाते हो
तो फुल कोर्स लो, उसका आपको बेनिफिट रहेगा। जो आपका टीचर है उसको भी थोड़ा समझ में आएगा आपका लेवल क्या है, कहाँ कमियां हैं, आपको वो बता सकते हैं। मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं आपको, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ भी फुल कोर्स ही ज्वाइन करें। तो चित्रा जी आपको बहुत ज्यादा मेरी तरफ से बधाई हो कि आपने फाइनली ये वाली रेस जीत ली है। और इन्होंने देखो, इनका जो स्कोर है लिसनिंग में 7 है, और बाकी जितने भी मॉड्यूल हैं जैसे राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग, सभी में राइटिंग, स्पीकिंग और तीसरा कौन सा है, रीडिंग, हाँ रीडिंग का भूल जाता हूँ, तो बाकी जो 3 मॉड्यूल है उसमें इनका स्कोर 6 आया है, और लिसनिंग में इनका स्कोर 7 है, और ओवरऑल इनका स्कोर जो है 6.5 बन गया। तो इनकी रिक्वायरमेंट जो है अब जाके पूरी हुई है। तो बहुत लंबी स्टोरी है, ठीक है, सुनने में भी थोड़ी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और मतलब सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है और गूगल पे का नंबर भी है, कॉलिंग वाला नंबर भी, आप मेरे साथ जो है वो कॉल करके अपना कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीटी की क्लासेस चाहिए, आपको आईएलटीएस की क्लासेस चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार की क्लासेस चाहिए, आप मेरे साथ जो है ज्वाइन हो सकते हैं। तो बाकी चित्रा जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो हम वाइंड अप करें। हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी सर, मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगी। मैं तो खुद अपने लिए भी मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने तो सर के पास अभी थोड़ी देर क्लास लगाई थी तो मेरे इतने आ गए, तो मैं अगर शायद थोड़े दिन और अगर आपके पास लगा लेती तो मैं भी शायद, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे क्योंकि मैं चित्रा ना एग्जाम दे के फेड अप हो चुकी थी, वो तो मैंने इसको खींच के 1 मंथ लगवाया, ये तो चाहती थी कि 10 दिन में एग्जाम खत्म करें सर, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैंने चलो इसको थोड़ा मोटिवेट किया कि नहीं भाई हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो चलो फिर भी इसका जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गया, दैट्स इट। हमने यहाँ पे कोई रेस नहीं जीतनी है कि हमने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीतना है कि हमारे इतने बैंड आने चाहिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है यार वो पूरी हो जाए, आपके ड्रीम्स पूरे हों, जो भी कैनेडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी आपने जाना है वो आपका ड्रीम पूरा होना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी इंग्लिश की। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। तो चित्रा जी मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं आपके फ्यूचर के लिए, और मैं चाहता हूँ कि जितनी स्ट्रगल आपने अब करी है उससे ट्रिपल आप जो है वो तरक्की करो आगे अपने फ्यूचर में, और जो भी आपकी ड्रीम्स हैं आप जल्दी से उसको अचीव करो, और अपने पेरेंट्स को भी खुश रखो और आप खुद भी खुश रहो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स टू यू मिलियन सर, इनफिनिटी टाइम्स सर, माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।